अस्सलाम वालेकुम सारे काफिला ग्रुप मेंबर्स को मेरी तरफ से सलाम, और मेरी दुआ है आपसे कि स्टार्टिंग से ही आप वीडियो की दुरूद शरीफ पढ़ के दुआएं मांगना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे मैं मदीना शरीफ में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, काफिला ग्रुप मेंबर्स मेंबर हूँ मैं भी, और अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक की जर्नी ने मुझे यहाँ की हाजिरी नसीब अता फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका ताजदार मदीना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकर मेरी दुआ है आपसे सारे काफिला दुरूद मेंबर्स की तरफ से आपके सामने सलाम पेश करती हूँ, और 25 करोड़ का दुरूद पाक का हदिया पेश करती हूँ, कबूल फरमाइए। और मेरी दुआ है पूरे काफिला दुरूद पाक के मेंबर्स के लिए कि सबको यहाँ की हाजिरी नसीब हो और इस ग्रुप को पूरी दुनिया में फैल जाए और सबको दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक मिले, और पूरी उम्मत मुहम्मदी को आपके यहाँ पे हाजिरी नसीब हो और सब दुरूद और सलाम करोड़ों पढ़े, ऐसी दुआ है मेरी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका ताजदार मदीना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका महबूब इलाही, अस्सलातु वस्सलामु अलैका नूर इलाही, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मेरी दुआ है सबके लिए, पूरे काफिला दुरूद पाक के मेंबर्स के लिए और पूरे उम्मत मुहम्मदी के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से यहाँ पर आप जमजम पीना नसीब हो सबको, और कयामत के रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जामे कौसर पीना नसीब हो सबको, आमीन सुम्मा आमीन। और दुआ है मेरी कि पूरी उम्मत मुहम्मदी को पूरी उम्मत मुहम्मदी के लिए कि सबकी दुनिया और आखिरत सवर जाए और सबको यहाँ की ज़ियारत नसीब हो, आमीन सुम्मा आमीन। मुझसे अगर कोई भी भूल हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, और बस दुआ है मेरी सबके लिए, सबका सलाम और दुरूद दुरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा सब पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा सब तक काफिला दुरूद पाक के सब्सक्राइबर्स और बढ़ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दुरूद पाक की जर्नी ने यहाँ पे हाज़िरी नसीब अता फरमाई है, मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आना नसीब हो। इस रमज़ान के मुबारक महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करती हूँ मैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे काफिला दुरूद पाक के मेंबर्स को और पूरी उम्मत मुहम्मदी के लिए कि आपकी शफाअत नसीब हो और सबकी बख्शिश हो जाए, सबके गुनाहों की माफ़ी हो जाए और जन्नत फिरदौस नसीब हो, आपका साथ नसीब हो सबको हश्र के दिन भी और जन्नत फिरदौस में भी आपका साथ नसीब हो। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ है आपसे कि सबकी दुनिया और आखिरत सवर जाए, सबको जहन्नम की आग से पनाह मांगते हैं और जन्नत फिरदौस से मिल जाए, कब्र के अज़ाब से भी निजात मिल जाए, और सबके लिए दुआ करती हूँ पूरे उम्मत मुहम्मदी के लिए और सबको दुरूद पाक की तौफीक मिल जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत, ऐ सारी कायनात के शहंशाह, ऐ सारी मखलूक के पालने वाले, ऐ जिंदगी मौत का फैसला करने वाले, ऐ आसमानों और जमीनों के मालिक, ऐ पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ऐ इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ऐ अर्श आज़म के मालिक, ऐ फरिश्तों के माबूद, ऐ इज्जत और जिल्लत के मालिक, ऐ बीमारों को शिफा देने वाले, ऐ बादशाहों के बादशाह, ऐ अल्लाह हम तेरे गुनाहकार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को माफ़ फरमा, ऐ
अल्लाह हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की माफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं। हमारे मबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे चलने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर जिस नमाज पे तू राजी हो जाए। जिंदगी में ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक अता कर जिन अमालों से तू राजी हो जाए। हमें ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता कर जिस जिंदगी से तू राजी हो जाए। ईमान पे जिंदा रख और ईमान पे ही मौत अता कर। ऐ अल्लाह, हमें तेरे अहकाम की फरमा बरदारी करने वाला बना और तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पकीज़ा अदाब को अपनाने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह, जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला आचिला नाफिया अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज जल्द से जल्द अदा करवा दे। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, इस्लाम के दुश्मनों को हदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हलाल रिजक कमाने की तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है, तो हर चीज पे कादिर है। ऐ अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। हमारी दुआ अपने रहम से, अपने कर्म से कबूल फरमा। और जिसने ये दुआ भेजी और इसे आगे बढ़ा रहा है, उसकी सारी परेशानियों, तकलीफों और बीमारियों को दूर फरमा और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। ये दुआ पूरी जरूर सुने। ऐ मेरे परवरदिगार, अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पूरी दुनिया में जितने लोग वफात पा चुके हैं उनकी मगफरत फरमा, उन्हें कब्र के अजाब से बचा। जो बीमार हैं या परेशान हैं तो उनको अपने कर्म से माफ फरमा और उनकी बीमारी और परेशानियों को दूर फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जिसने मुझे ये दुआ भेजी, उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा और हर काम में कामयाबी अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अपने लिए जरूर दुआ करवाएं, न जाने किसकी